हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ मनोज गुर्जर, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। टुडे वी विल डिस्कस डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के कैटाबोलिज्म के बारे में। कैटाबोलिज्म की यदि बात करें तो एएमपी जो होता है आइनोसिन, एएमपी जो होता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है एडिनोसिन में। एएमपी को कन्वर्ट कर देगा एडिनोसिन में न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, ठीक है। आईएमपी को कन्वर्ट कर देगा आइनोसिन में और जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है गुआनोसिन में। न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम है एएमपी को कन्वर्ट कर रहा है एडिनोसिन में, आईएमपी को कन्वर्ट कर रहा है आइनोसिन में और जीएमपी को कन्वर्ट कर देता है गुआनोसिन में, ठीक है। और यहाँ पे वाटर जो होता है, वाटर तीनों स्टेप में वाटर जो होता है वो रिमूव होता है किसके रूप में, वो कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। तीनों स्टेप न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम से कैटलाइज हो रहे हैं, ठीक है। एएमपी कन्वर्ट हो रहा है एडिनोसिन में, आईएमपी कन्वर्ट हो रहा है आइनोसिन में और जीएमपी कन्वर्ट हो रहा है गुआनोसिन में। एएमपी जो होता है उसे आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है एएमपी डीएमिनेज। एएमपी का यदि डीएमिनेशन हो जाए डीएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट में। इधर एएमपी कन्वर्ट हुआ था एडिनोसिन में, एडिनोसिन से बनेगा आइनोसिन, एडिनोसिन कन्वर्ट हो जाएगा आइनोसिन में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एडिनोसिन जो डीएमिनेज एंजाइम है ये एडिनोसिन को कन्वर्ट कर देता है आइनोसिन में। और इधर जो वाटर है, वाटर कन्वर्ट होता है अमोनियम आयन में, ठीक है। अमोनिया स्प्लिट होता है सिस्टम में, डीएमिनेशन हो रहा है अमोनिया निकलेगा, ठीक है, और एडिनोसिन कन्वर्ट हो जाएगा आयनोसिन में। अब आयनोसिन जो होता है ये प्यूरिन न्यूक्लोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, पीएनपी एंजाइम, प्यूरिन न्यूक्लोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है हाइपोजेंथिन में, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या स्प्लिट होता है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होता है राइबोज 1 फॉस्फेट में। अब हाइपोजेंथिन जो होता है, हाइपोजेंथिन को जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम कन्वर्ट कर देगा जेंथिन में और इस रिएक्शन में क्या है, परऑक्साइड बनता है H2O2। वाटर O2 डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, वाटर O2 जो होते हैं मिलकर के क्या बनाते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं H2O2। तो हाइपोजेंथिन को जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जेंथिन में कन्वर्ट कर देता है और जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जेंथिन को आगे कन्वर्ट कर देगा यूरिक एसिड में। और यूरिक एसिड क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा जो जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसमें ये कंटेंट होता है एफएडी आयरन और मॉलिब्डेनम क्या होता है इसमें होता है। जेंथिन ऑक्सीडेज में तीन मिलते हैं, देखो तीन पे डिपेंड करता है, एक तो आयरन, आयरन पे, एक एफएडी पे, एक है मॉलिब्डेनम, जो इसकी क्या एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की, ठीक है। ये मेनली मिलता है लिवर में और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है जेंथिन ऑक्सीडेज। इसके अलावा जो जीएमपी था गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट उससे बना गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, गुआनोसिन कन्वर्ट होता है गुआनिन में, गुआनोसिन जो होता है वो कन्वर्ट होता है गुआनिन में पीएनपी एंजाइम की प्रेजेंस में। और इस स्टेप में भी क्या है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, राइबोज 1 फॉस्फेट में। अब जो गुआनिन है, गुआनिन को गुआनेज एंजाइम कन्वर्ट कर देगा जेंथिन में, ग्वानिन को ग्वानेज एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है जेंथिन में और इसमें क्या है अमोनिया निकलता है इस स्टेप में, क्या है अमोनिया क्या होता है रिलीज होता है। ग्वानिन से जब जेंथिन बनेगा तो वाटर तो कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया, अमोनिया स्प्लिट हो रहा है इस स्टेप में और ग्वानेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और फिर जेंथिन, जेंथिन से जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है कन्वर्ट कर देगा जेंथिन को यूरिक एसिड में। यूरिक एसिड क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स की बात करें, कुछ डिजीज की बात करें, चार डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से, एक है गाउट, एक है लेसनियन सिंड्रोम। यूरिक एसिड से रिलेटेड चार डिसऑर्डर हैं, एक तो गाउट, एक है लेसनियन सिंड्रोम, एक होता है स्किड और एक होता है पीएनपी डेफिशिएंसी। गाउट और लेसनियन सिंड्रोम इसमें तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जबकि सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर है, सीवियर कम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और फॉस्फो, एक है, एक क्या है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, एक है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, इन दोनों में यूरिक एसिड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जो गाउट डिसऑर्डर होता है इसमें ओवर प्रोडक्शन हो रहा है यूरिक एसिड का और लेसनियन सिंड्रोम में भी ओवर प्रोडक्शन हो गया यूरिक एसिड का। लेसनियन सिंड्रोम होता है एचजीपीआरटी एंजाइम में डिफेक्ट के कारण, एचजीपीआरटी जो एंजाइम है उसमें डिफेक्ट के कारण होता है लेसनियन सिंड्रोम। जो सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है ये होता है एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम में डिफेक्ट से, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जो एडिनोसिन को आइनोसिन में कन्वर्ट कर रहा था इस एंजाइम में यदि डिफेक्ट हो गया तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक होता है प्यूरिन न्यूक्लोसाइड फॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी, ये होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन पीएनपी, पीएनपी जो एंजाइम है प्यूरिन न्यूक्लोसाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम, देखो इस एंजाइम में डिफेक्ट हो गया, इस एंजाइम में डिफेक्ट से क्या होता है पीएनपी डेफिशिएंसी हो जाती है, पीएनपी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये हमने देखा प्यूरिन न्यूक्लोटाइड का डिग्रेडेशन एंड डिसऑर्डर।
ठीक है। तो इस तरह जो ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपको टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।